अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, हम पढ़ रहे थे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स अपने ब्लड पैथोलॉजी के लेक्चर्स में, जिसमें से वी आर गोइंग टू डू हीमोफीलिया एफ, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे में से DIC हीमोफीलिया एंड स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। अगर कोई क्वेश्चन SEQ में आता है और MCQs के लिए ज़ाहिर है आपको ज़रा गो थ्रू करना पड़ता है, तो इसको ज़रा से इंपॉर्टेंस देख के कर लेना। बहुत ही आसान है, चार बातें हैं इसमें खाली। पहली बात तो है कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब फिर से रिवाइज कर देती हूँ मैं इसको, कि हीमोफीलिया ए आपका एक एक्सलेंट डिसऑर्डर है। और एक्सलिंक डेफिशिएंसी इसमें किस चीज़ की होती है? दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, आपके क्लॉटिंग फैक्टर पाथवे में। मैंने भी आपको पिछली वीडियो में भी इवन ये बात बताई है कि फैक्टर 8 आपका वो फैक्टर है जो कि इंट्रिंसिक पाथवे में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे तो अगर आपने पढ़ा हो क्लॉटिंग का, तो उसमें हम फैक्टर 12 से शुरू करते हैं, और फैक्टर 12 के बाद फैक्टर 11 आता है, फिर 9 आता है, और फिर 8 आता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में ज़ाहिर है, एक दूसरे को एक्टिवेट करने के लिए कोई किसी का को फैक्टर होता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन इंट्रेंसिक पाथवे पूरा नहीं हो सकता अगर फैक्टर 8 नहीं होगा। और इंट्रेंसिक पाथवे ऑफ क्लॉटिंग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका एक मेजर क्लॉटिंग का प्रोसेस रुका हुआ है, जिसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग एपिसोड हो सकती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया एक ऐसा एक्सलिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न का डिसऑर्डर है जो डेफिनेटली फैक्टर 8 को एबनॉर्मल कर देता है। अब जाहिर सी बात है कि एक्स लिंक्ड है, तो इसका मतलब है कि मेल्स में ही ज़्यादा कॉमन होगा, क्योंकि मेल में XY होता है। फीमेल्स में किस सूरत में आ सकते हैं? फीमेल्स में सिर्फ उस सूरत में आते हैं कि अगर फीमेल्स का ये एक्स क्रोमोजोम, सपोज ये वाला है जो हीमोफीलिया वाला है, और ये एक्स क्रोमोजोम उनका नॉर्मल है, लेकिन कोई मतलब बिला वजह अपने से ही ऐसा हुआ कि ये वाला जो हीमोफीलिया वाला एक्स क्रोमोजोम है, पूरा का पूरा ये थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर गया है दूसरे वाले के ऊपर। तो इस वजह से जितने कैरेक्टरिस्टिक्स इस एक्स क्रोमोजोम के होंगे जो नॉर्मल है, वही ज़्यादा आपको नजर आएंगे उस पेशेंट में या उस बंदे में। इसी वजह से उसका हीमोफीलिया भी उस फीमेल का ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितनी फुल ब्लोन डिजीज मेल्स में शो होती है, उतनी फीमेल्स में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्स लिंक डिसऑर्डर, और मेल्स में XY होने की वजह से आपका ये नज़र आता है मेल्स में। ये बात तो आपको पता ही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें भी हम फिर भी कहते हैं कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर होने के बावजूद भी इसकी दो टाइप्स हैं। सवेयर भी हो सकते हैं, सवेयर तब होता है कि जब आपके पास फैक्टर 8 बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नहीं है, मतलब less than 1% फंक्शनल फैक्टर 8 आपके पास है, यानी ऑलमोस्ट आप कह लें कि नहीं है। और माइल्ड तब हम कहते हैं हीमोफीलिया ए जब आपके पास फैक्टर 8 ऑलमोस्ट लाइक 10 to 20% या 30% तक फंक्शनल हो। अब हम इसको कह रहे हैं कि एक्सलिंक डिसऑर्डर है, फिर हम उसको टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे एक्सलिंक डिसऑर्डर होने के बावजूद ही टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं? बिकॉज एक चीज़ अगर इनहेरिट हो रही है तो वो तो सब में बराबर होगी। तो इनहेरिटेड म्यूटेशंस जो हो रही होती है ना, जाहिर सी बात है इनहेरिटेड चीज़ जो एक्स क्रोमोजोम पे आ रही है, वो कोई ना कोई म्यूटेशन ही आ रही है जो हीमोफीलिया जो फैक्टर 8 को इनकोड करती थी। तो म्यूटेशंस देखा गया कि डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, किस किस तरह की हो सकती हैं। अब आपको पता है कि क्रोमोजोम पे वी हैव जीन्स, और मैंने आपको बताया था कि इस तरह में होता है कभी कभार ऐसा होता है कि एक सपोज यहाँ पर जो हीमोफीलिया का जीन था वो डिलीट ही हो जाए बीच में से पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो डिलीशन हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ पर हीमोफीलिया का जीन था उसके साथ कोई एक एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड इंसर्ट हो गया, तो जीन जो है वो इंसर्शन उसको हम कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एक जीन का पीस यहाँ से टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे लग जाता है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो देखा यह गया है कि बेशक इट इज़ एक्स लिंक्ड, यानी होता हमेशा एक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम पे डिफरेंट तरह की जेनेटिक म्यूटेशंस देखी गई हैं। कभी डिलीशन हुई भी होती है, कभी इंसर्शन हुई भी होती है, और कभी ट्रांसलोकेशन हुई भी होती है। और डिपेंडिंग अपॉन द जेनेटिक म्यूटेशन उसकी आपको मैनिफेस्टेशन नजर आती है कि कभी सवेयर किस्म का हो जाता है, कभी माइल्ड किस्म का होता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली सिलसिले हैं। फिर इसमें जो पेशेंट के आप कहेंगे क्लिनिकल फीचर्स आते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है कि जिसमें भी ये होगा उसमें ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग एपिसोड्स होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। होता मोस्ट कॉमनली यही होता है कि आपका जब कभी भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होगा, यानी आप समझे कि बहुत सवेर एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है, या फिर जैसे आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें भी आपकी ब्लीडिंग होती है डेफिनेटली, तो उन ट्रॉमास के रिजल्ट में जो क्लॉटिंग है ना वो नॉर्मल नहीं होती। मतलब उन ट्रॉमा के बाद आपके जख्म हुए, एक्सीडेंट हुआ है आपका, तो आपके जख्म पे एक हद तक खून निकलने के बाद खून रुक जाता है, लेकिन इस केस में जो हीमोफीलिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम तक रहती है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी है, इस वजह से उनमें जल्दी जल्दी क्लॉट नहीं बनता। तो नॉर्मली ये होता है कि ट्रॉमास के बाद ही पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं होता कि बैठे बैठे उनके ब्रूजेस बनने लग जाएंगे, उन्हें नील पड़ने लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कि जिनमें बहुत सिवियर डिफिशेंसी होगी
उनमें ऐसा होता है कि जो आपके जो वेट बेयरिंग एरियाज होते हैं बॉडी के, जैसे आपके जॉइंट्स हैं और टांगों के जॉइंट्स खास तौर पे, क्योंकि उन पे वजन पड़ता है, तो वहाँ की जो वेसल्स है ना वो अक्सर औकात आपको उन जगहों पर नील पड़े हुए मिलेंगे, ब्रूजिंग मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जब वजन पड़ता है वेसल का ब्रेक डाउन होता है तो फैक्टर 8 नहीं होता कि वहाँ क्लॉट हो सके, तो आपकी हीम आर्थ्रोसिस हो जाता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जो वेट बेयरिंग एरियाज है वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो ये पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। डायग्नोसिस हम इसमें यही बात होती है कि पेशेंट जब आते हैं इन फीचर्स के साथ, हम चेक करते हैं, हम उसका पीटी या पीटीटी करते हैं, ठीक है। तो पीटी तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ द कोएगुलेशन को बताते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये बात मैंने आपको बताई है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे से फैक्टर 8 का कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए पीटी को या प्रोथ्रोम्बिन टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका एपीटीटी है या पीटीटी जिसको आप कहते हैं, दोनों एक ही चीज के नाम है, एक्टिवेटेड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसको फर्क डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे का रेगुलेटर या फिर उसको बताने का कायल है। तो एपीटीटी आपका हमेशा प्रोलोंग हुआ हुआ होगा हीमोफीलिया के पेशेंट्स में, क्योंकि आपका फैक्टर 8 की कम या बिल्कुल ना होने की वजह से आपका इंट्रिंसिक पाथवे ठीक नहीं होगा। तो एपीटीटी हमेशा पेशेंट्स का प्रोलोंग होता है, और जब हमें पता चलता है फिर हम स्पेसिफिकली हीमोफीलिया के फैक्टर 8 का टेस्ट करा के चेक करते हैं, और उसकी जब डेफिशिएंसी आती है तो हमें पता चल जाता है कि यस हीमोफीलिया ए है। और ट्रीटमेंट में इसके ना हम पेशेंट को जाहिर सी बात है कि बाहर से फैक्टर 8 देते हैं। पहले ये होता होता था कि हम ह्यूमन का फैक्टर 8 मतलब ह्यूमन प्लाज्मा से लेकर और उसको दूसरों को दिया करते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसके साथ बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस भी दूसरों के चले जाते थे। सपोज मेरे पास एक बंदे को HIV है और मैंने उसका ब्लड लिया है, और मैं उसके ब्लड में से फैक्टर 8 एक ऐसे बंदे को दे रही हूँ जिसको हीमोफीलिया है, तो जिस बंदे को मैंने हीमोफीलिया वाले बंदे को HIV वाले बंदे का फैक्टर 8 दिया है, तो इसका मतलब ये कि मैंने साथ उसको HIV भी दे दिए, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस इन फैक्टर्स के साथ ट्रांसमिट हो जाते थे, तो इसलिए अब उनने क्या किया कि उनने जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम करते हैं कि हम एक ही चीज़, सपोज मैंने एक फैक्टर 8 निकाला और उसकी मैंने मल्टीपल कॉपीज बना ली लेबॉरेटरी में जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनती है, और उसके जरिए अब फैक्टर 8 तैयार किया जाता है और दिया जाता है लोगों को। लेकिन इसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी ही जो है वो मेन इसका कंसर्न है, लेकिन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिस तरह हम ट्रांसप्लांट कहते हैं ना, कुछ लोगों में ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाती है जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि उन लोगों की बॉडी उस ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को फॉरेन एंटीजन समझती है और उसको फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देती है। तो इसी तरह कुछ लोगों में जब हम हीमोफीलिया 8 देते सॉरी फैक्टर 8 देते हैं बाहर से, तो उनकी बॉडी उसे फॉरेन एंटीजन समझ के उसे फॉरेन रिजेक्ट कर देती है, तो ऐसे लोगों में फिर हमें ट्रीटमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जाहिर है उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो ये फैक्टर 8 और हीमोफीलिया की सारी कहानी है। एक हमारे पास हीमोफीलिया टाइप बी होती है जो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है, सेम यही बात है कि वो भी एक्स लिंक्ड है, वो फैक्टर 9 है सिर्फ, ठीक है। और 9 फैक्टर भी आपका इंट्रिंसिक पाथवे में ही आता है, और वो भी आपका एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, बिल्कुल फैक्टर सॉरी हीमोफीलिया ए जैसा है। डिफरेंस सिर्फ एक जगह पर आते हैं कि आपने उसका डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिकली आपको फैक्टर का टेस्ट कराना पड़ता है, जिस तरह यहाँ पर भी आप फैक्टर 8 का टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या चीज़ है, वहाँ फैक्टर 9 का टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि भाई हीमोफीलिया बी है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, आप कॉसेज ऑफ स्क्रीनों में गैली करेंगे, किसी कोई मसला हो कि नाज में। थैंक यू।